नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। रोटी कपड़ा मकान पर आपने खूब राजनीति होते देखी होगी, लेकिन दाल रोटी पर यूपी में इस वक्त जैसी सियासत हो रही है वो बिल्कुल अलग है। कल एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ, ये वीडियो फिरोजाबाद में तैनात एक सिपाही का था। वीडियो में सिपाही पुलिस लाइन की मेस में मिलने वाले खाने पर सवाल खड़े कर रहा था। इसका दावा था कि जनता की सेवा करने के बाद उसे जो दाल रोटी मिलती है वो खाने लायक नहीं है। उसने रोते हुए अपील की थी कि अफसर इसकी गुणवत्ता में सुधार करें। फिलहाल इस शिकायत की जांच हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर राजनीति आसमान पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दाल रोटी वाले इस वायरल वीडियो को ट्वीट कर आजादी के अमृत महोत्सव को भूखोत्सव तक बता डाला। जी हाँ, आपने शायद ये नया शब्द सुना होगा, लेकिन सियासत में ऐसे शब्दों का प्रयोग नया नहीं है। भाजपा को अखिलेश का ये नया प्रयोग चुभ गया। उसने सपा की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी ने पूछा कि क्या कभी सफाई महोत्सव को लेकर ऐसी बातें की? अगर नहीं तो आजादी के अमृत महोत्सव को भूखोत्सव क्यों कह रहे हैं? यूपी में नए सियासी घमासान का यह अकेला मुद्दा नहीं। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान पर अखिलेश यादव के ट्वीट ने माहौल पहले से गर्मा रखा है। आज मैं आपको तिरंगे से जुड़ी भाजपा की मुहिम और आजादी के सबसे बड़े उत्सव के नाम पर हो रही नई राजनीति के कुछ चुभने वाले पहलुओं के बारे में बताऊंगा जो सियासत की मजबूरियों से जुड़े हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सियासत की भाषा कई बार गोल होती है, इसका ओर छोर पता नहीं चलता, ठीक रोटी की तरह। इसलिए रोटी दाल वाली ये नई राजनीति किसी को भी हैरान नहीं कर रही, लेकिन भाजपा अब अखिलेश पर हमलावर हो गई है। उसे सबसे बड़ा ऐतराज इस बात पर है कि आजादी के अमृत महोत्सव को भूखोत्सव जैसा नाम क्यों दिया गया। इससे पहले अखिलेश यादव ने चुभता हुआ ट्वीट कर कहा था कि भाजपा तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा न बनाए। आप लोग और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस पर अत्याचार करें, आप बताइए आप यही पोस्ट बाहर मिल रहा है? जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहां से चल पाएंगे? आप ये तो देख लीजिए। दाल रोटी पर गरमाई यूपी की राजनीति। अमृत महोत्सव को अखिलेश ने क्यों कहा भूखोत्सव? सिपाही के वायरल वीडियो को भुनाने में जुटी सपा। आप बताइए अब यही पोस्ट बाहर मिल रहा है? खराब खाने की शिकायत पर नया सियासी महाभारत। महोदय, बस मैं यही चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि प्रार्थी के खिलाफ जो भी नियमित कार्रवाई है अब मैं और मेरा सहयोग करें। मैं केवल खाने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं सर, और मेरा कोई वो नहीं है, केवल हमें उचित भोजन खाने के लिए मिल जाए, बस मैं यही चाहता हूं। इसमें सीओ सिटी साहब जांच कर रहे हैं। रोटी दाल पर सिपाही की सीएम योगी से गुहार। बस हमें उचित भोजन खाने के लिए मिले सर, हमारी और कोई वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है, हमें बस खाने के लिए ठीक भोजन पर्याप्त मिलता रहे, चाहे 1860 की जगह 2000 रुपए पर मंथ प्रत्येक सिपाही से वसूले जाए, मैं इसमें वो हम देने के लिए तैयार हैं। महोदय, योगी सरकार पर अखिलेश का वायरल अटैक। बात तो चुभेगी। केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार हर घर तिरंगा फहराना चाहती है, इसको लेकर बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। लेकिन इस अभियान के बीच हापुड़ से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो अखिलेश यादव को चुभ गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए तो भाजपा की तरफ से अखिलेश यादव को इतिहास याद दिलाया जाने लगा। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपा से ये पूछ लिया कि वो बताएं झंडों पर कितना जीएसटी देना पड़ेगा। सपा
सामने मेज पर बड़ी संख्या में तिरंगे रखे हैं। मेज के आसपास 5 कुर्सियों पर नेता बैठे हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति इस मेज के पास पहुंचता है, उससे पहले 20 रुपए लिए जाते हैं और फिर सम्मान के साथ तिरंगा दिया जाता है। बाकायदा तिरंगा देने की तस्वीर भी खिंचवाई जाती है, लेकिन ये तस्वीर अखिलेश यादव को चुभ गई है। दरअसल ये वीडियो हापुड़ में भाजपा दफ्तर का है। वीडियो में पीछे की तरफ एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा है, जिस पर साफ साफ लिखा है हर घर तिरंगा और उसके नीचे लिखा है विक्रय केंद्र। और यही विक्रय केंद्र सियासत में विवाद की नई वजह बन गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुभता हुआ हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा के कार्यालय तिरंगों की दुकान बन गए हैं, भाजपा बताए झंडों पर कितना GST देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने इस वीडियो के सहारे 2 हमले किए। पहला हमला भाजपा कार्यालय को दुकान बनाने को लेकर था, तो दूसरा GST को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तिरंगा झंडा बेचने का काम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तिरंगा बेचने की दुकान हो गई है और बड़े पैमाने पर झंडे बेचने का काम भाजपा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय रहा है नागपुर में, वहां 25 साल तक तिरंगा नहीं लहराया गया। इस वीडियो के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पूछा जाने लगा है, अगर भाजपा वाकई राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहती है तो फिर तिरंगा 20 रुपए में क्यों बेचा जा रहा है, और तिरंगा बेचने में भाजपा के जिला अध्यक्ष स्तर के नेता जुटे हैं। सिर्फ जिला अध्यक्ष ही नहीं, कार्यकर्ता भी झंडे बेचने में पीछे नहीं। अब चुभते हुए सवालों के बीच भाजपा की तरफ से अखिलेश यादव पर चुभता हुआ पलटवार भी हुआ है। श्री अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े विषयों पर इसी तरह के विचार व्यक्त करती है। कम से कम आपको अगर भारतीय जनता पार्टी से परहेज है तो उसका विरोध करिए। आपको हमारे नेतृत्व का भी विरोध करते हैं, कोई बात नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान से जुड़े जो राष्ट्रीय अस्मिता के चिन्ह है, उनका विरोध मत करिए अखिलेश जी। लड़ाई तिरंगा बेचने की शुरू हुई और भाजपा के नेता इस लड़ाई को सपा के झंडे तक लेकर पहुंच गए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर हमला किया तो भाजपा के नेता सीधे इतिहास की बातें याद दिलाने लगे। अखिलेश यादव बताने की बात है क्या, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें समझो बैठा गुंडा। समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी बनाने में अखिलेश यादव का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने अपने पिताजी की गद्दी पर, जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की, कभी कुछ किया नहीं, उनके पिताजी ने गद्दी सौंपी, उनके पिताजी को मैंडेट मिला आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, और वो गद्दी पर बैठ करके अपने पिताजी को ही लात मार करके भगा दिए। ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो राष्ट्र की बात करे। सियासत चाहे जैसी हो, लेकिन सरकार इस स्वतंत्रता दिवस को तिरंगामय कर देना चाहती है। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री दया शंकर सिंह ने बुलेट चलाकर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। ABP गंगा के लिए ब्यूरो। तो आपने देखा कि किस तरह अखिलेश यादव आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भाजपा के अभियान पर चुन चुन कर चुभता हुआ तंज कस रहे हैं। तिरंगा अभियान को दंगे के आरोपों से जोड़ने से लेकर रोटी दाल वाली सियासत तक में नई गहरी रणनीति नजर आती है, क्योंकि एक तरफ से हमला होता है तो दूसरी तरफ से फौरन पलटवार में देर नहीं होती। अगर वापस रोटी दाल के मुद्दे पर आए तो यह सच है कि मुद्दा कोई भी उठाए, अगर इसमें दम हो तो सरकार को इसे गंभीरता से जरूर लेना चाहिए, लेकिन जांच से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। रही बात सियासत की, तो वो अपनी धुन में आगे बढ़ती है और इस वक्त यूपी में यही हो रहा है, क्योंकि दाल रोटी का वास्ता हर वोटर के घर से। इसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके पेट की
बेटा बेटी खा सकते हैं। तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं तुम्हें से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तुम कहाँ से चल पाएंगे? आप ये तो देख लीजिए। सिपाही के हाथ में थाली है, थाली में रोटी है और दाल है। ये फिरोजाबाद में ड्यूटी करने वाले सिपाही मनोज कुमार के उस वायरल वीडियो का हिस्सा है जो पूरे यूपी में सुर्खियों में है। जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तुम कहां से चल पाएंगे? आप ये तो देख लीजिए। इस वीडियो को ट्वीट कर अखिलेश यादव ने सीधे योगी सरकार पर निशाना साधा है। निशाना भी इस अंदाज में कि आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने में जुटी योगी सरकार की नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। वही सिपाही जो दिन रात हमारे प्रदेश के लिए मेहनत करता है, जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, हमारे आपकी सुरक्षा के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा, तमाम तरीके की सुरक्षा के लिए, अगर यदि वही भूखा है और वो अपने आला अधिकारी को शिकायत कर रहा है, अब इससे बड़ी बात क्या होगी? अखिलेश यादव जी को आजादी के अमृत महोत्सव पर न जाने क्यों इतनी आपत्ति है कि कभी आजादी के अमृत उत्सव में हर घर तिरंगा अभियान का मजाक उड़ाते हैं, तिरंगे के साथ दंगे को जोड़ने का काम करते हैं, और कभी आजादी के अमृत उत्सव को भूकोत्सव जैसा शब्द कहकर के उसका अपमान करने का काम करते हैं। चाहते हैं आप लोग हमसे क्या अच्छा कार्य करें, आप बताइए इसको कहा करेंगे, हम बढ़ेंगे अभी अच्छा कार्य करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। दाल रोटी की थाली लेकर रोड पर आने वाले सिपाही की शिकायत इसकी गुणवत्ता को लेकर है। उसका आरोप है कि अफसर अब उसे पागल घोषित करने में जुटे हैं, जबकि वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसे फिरोजाबाद पुलिस लाइंस के मेस में जो खाना दिया जाए वो घटिया स्तर का ना हो। मेडिकल को सर ये मुझे आगरा ले जा करके मेंटल घोषित कराने का प्रयास कर रहे थे प्रार्थी को, पूर्ण रूप से दबाव से, और ये प्रार्थी के यहाँ एक दूसरे के चोट भी है, खींचतानी भी की। RI महोदय द्वारा ये वर्दी पकड़ के मुझे खींचा गया, बदतमीजी बोला गया। उधर फिरोजाबाद पुलिस की तरफ से साफ किया गया है कि सिपाही ने मेस के खाने की गुणवत्ता से जुड़ी जो शिकायत की है उसकी जांच CO सिटी कर रहे हैं। साथ में ये भी दावा है कि शिकायत करने वाले सिपाही को आदतन अनुशासनहीनता, गैर हाजिरी और लापरवाही से संबंधित 15 दंड पिछले सालों में दिए जा चुके हैं। यदि कप्तान साहब पहले सुन ली होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है। जांच के दौरान फिरोजाबाद के CO सिटी ऑफिस में सिपाही मनोज ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। उसका आरोप है कि उसने जो बयान दिया उसकी कॉपी उसे नहीं दी गई है। CO सिटी साहब को मैं बयान दे के आया हूँ, लेकिन प्रार्थी को बयान की वो फोटो कॉपी देने से मना कर दिया। अपर साहब ने आदेश भी किया था और CO साहब भी मुझसे कह के गए, लेकिन जो मुंशी हैं उन्होंने मुझे कॉपी देने से मना कर दिया स्पष्ट। अभी पुलिस की तरफ से आरोपों की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ रोटी वाले इस विवाद पर सियासी रोटियां सेंकने में विरोधी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम तो धन्यवाद देते हैं हमारे रास्ते से श्री अखिलेश यादव जी ने कि आज उस व्यक्ति का वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर पे डाल के कम मोदी जी को इस बात का एहसास दिलाया है कि उन्हीं के जो बनाए हुए मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के प्रदेश में सिपाही अपने खाने के लिए 2 जून की रोटी के लिए वो परेशान है, उनको रोटी नहीं मिल रही। अरे भाई, सिपाही महोत्सव मनाना जनता नकार चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आजादी के अमृत उत्सव पर राजनीति करना बंद करिए। विरोधी दलों की कोशिश रोटी दाल के इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने की है कि सरकार के कई बड़े दावे इसके सामने फीके पड़ जाए, लेकिन भाजपा भी सपा को इस मुद्दे पर कोई मौका देने को तैयार नहीं। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल अखिलेश यादव भी इन दिनों राष्ट्रवाद की पिच पर सियासी बैटिंग कर रहे हैं। भाजपा की तरह ही सपा भी हर घर पर तिरंगा फहराने का अभियान चला रही है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही भाजपा को घेर रही है। अखिलेश यादव ने भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर 2 दिन में 2 ट्वीट किए,
उन्होंने बुधवार को कानपुर का एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें भाजपा के नेता आपस में भिड़ गए थे। अब अखिलेश यादव का ये ट्वीट भाजपा के नेताओं को चुभ गया। भारतीय जनता पार्टी शहर शहर गली गली तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नजर आ रही है, लेकिन कानपुर में भाजपा की तिरंगा यात्रा एक अलग ही वजह से चर्चा में आ गई। बुधवार को मोती झील चौराहे पर तिरंगा यात्रा से पहले युवा मोर्चा के दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लात घूंसे चले और बीच सड़क बवाल खड़ा हो गया। वीडियो भाजपा से जोड़ा था तो अखिलेश यादव ने हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने वीडियो को ट्वीट किया और साथ में लिखा, भाजपाइयों से अनुरोध है कि तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा ना बनाए। अखिलेश ने भाजपा पर तंज कसा तो ये बात भाजपा नेताओं को चुभ गई। किसी ने कहा अखिलेश को हर जगह दंगा दिखाई देता है, तो किसी ने अखिलेश यादव पर चुभता हुआ पलटवार कर दिया। ऐसा है, उनके पास कोई मुद्दा तो रहता नहीं है और वो जैसा उनका स्वभाव वैसा वो बात करते हैं। और उन्होंने तो जुडिशियल में भी उनके पिताजी ने हल्ला बोल बोला था। कार्यकर्ता है, थोड़ा भाव में इधर उधर हो गया होगा और निश्चित रूप से राष्ट्र भक्ति के लिए ही काम किया जा रहा, वो करते रहेंगे हम लोग। दंगा यात्रा नाम दे रहे हैं आपकी तरह, ये दंगा यात्रा उनके मन में रहता है तो वो उसी भाव में बोलेंगे ही। कानपुर के भाजपा विधायकों ने अखिलेश को निशाने पर लिया तो सपा विधायकों ने भी भाजपा नेताओं को आंख का इलाज कराने की नसीहत दे डाली। झंडा पहले ही देशभक्ति और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। यदि कोई झंडे हाथ में लेकर के भद्दी गालियां दे रहा है, मारपीट कर रहा है, तो वो दंगा की ही श्रेणी में आएगा। चश्मा कोई लगा लो, लेकिन घटना जो होगी वही दिखाई पड़ेगी। यदि मैथानी जी के चश्मे से वो जो जिसको दंगा कहा जा रहा है वो दंगा नहीं दिख रहा हो, उनको कोई अनुशासित यात्रा दिखाई पड़ रही हो, तो मैं मैथानी जी को सलाह दूंगा कृपा करके अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ को अपना चश्मा दिखवा लें। एक तरफ तिरंगे को लेकर सबसे बड़ा अभियान चल रहा है तो वक्त वक्त पर सियासत भी मौका ढूंढ ले रही है। 15 अगस्त आने में अभी कई घंटे बाकी हैं। ऐसे विवाद अभी और देखने को मिल सकते हैं। सियासत खूब गरमाई हुई है। तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक को राष्ट्रभक्ति का ये कह सकते हैं कि रंग में रंगने चाहती है, डुबाना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद इस पर खूब और सियासत होने लगी है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। प्रभात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की उस खबर की जिसको लेकर कई अटकलें गर्म हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या इस बैठक में यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई, और अगर हुई तो आखिर किन चेहरों पर भाजपा की नजरें टिकी हैं। दरअसल प्रदेश भाजपा के संगठन में ताजा फेरबदल के बाद ये माना जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय करने में अब ज्यादा देर नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की ये तस्वीर सुर्खियों में शुमार रही। दरअसल 1 से 2 बजे के बीच दोनों नेताओं की मीटिंग हुई। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर था। दोनों नेताओं में इस पर बात हुई। यूपी भाजपा में संगठन से जुड़े ताजा बदलाव के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बैठक थी। एक दिन पहले ही यूपी के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी के साथ ही ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया था। उनकी जगह धर्मपाल सिंह सैनी को राज्य के संगठन महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर भी अटकलें तेज हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात करने के बाद अब उनके आवास से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 घंटे की मुलाकात करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास से अब निकल रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो 1 घंटे की मुलाकात चली है जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के चर्चा भी की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें किस तरीके से आगे सरकार काम करे, संगठन और सरकार के बीच में किस तरीके से समन्वय हो, इन चीजों को लेकर के बातचीत हुई है। चूंकि अगर बात
वित्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली दौरे पर आए थे और यहाँ पे उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और जो नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ उनसे मुलाकात की और आज नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सीधे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके प्रदेश के तमाम सारी चीजों को लेकर डिस्कस किया। घंटे भर की मुलाकात में मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सरकार और संगठन के समन्वय पर भी चर्चा की। आने वाले दिनों में भाजपा के बड़े अभियानों पर भी बात हुई। 2024 के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार के काम के बलबूते ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा अध्यक्ष को अपनी सरकार के हाल में किए गए कुछ बड़े कामकाज के बारे में बताया। इसके साथ ही पिछले दिनों अलग अलग विभाग से जुड़े अधिकारियों और मंत्रियों के बीच के मतभेद के मुद्दों पर भी दोनों में बातचीत हुई। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने 24 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके संकेत एक बार नहीं बल्कि कई बार मिल चुके हैं, लेकिन 24 के चुनाव के लिए भाजपा की फाइनल रणनीति क्या होगी इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा, क्योंकि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम से पर्दा नहीं हटाया गया है। दरअसल भाजपा की पहली कोशिश ओबीसी वोटर्स को रिझाने की रहती है। यही वजह है कि विधान परिषद में नेता सदन का चेहरा ओबीसी समाज का ही है। इसके अलावा संगठन में जो बड़ा पद है उस पर भी अब ओबीसी समाज के ही नेताओं को बिठाया गया है, लेकिन चर्चा हो रही है कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा या तो दलित होगा या फिर ब्राह्मण। भाजपा ने हाल ही में संगठन में कई फेरबदल किए। संगठन महामंत्री के पद पर धर्मपाल सैनी की नियुक्ति भी कर दी गई, लेकिन इस बात का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का ये इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। अभी तक चर्चा थी कि किसी ओबीसी नेता को ही अध्यक्ष पद की कुर्सी दी जाएगी, लेकिन अब भाजपा इस कुर्सी पर किसी ब्राह्मण नेता या दलित चेहरे को बिठा सकती है। बीजेपी ने संगठन से लेकर सरकार तक में फेरबदल किया है। अब भले ही इन फेरबदल को सामान्यतः होने वाली प्रक्रिया बताई जा रही हो, लेकिन इसके पीछे रणनीति 2024 की लोकसभा सीटें हैं। यानी इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है, ये उसी रणनीति का हिस्सा है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी की रणनीति यही है कि 2024 में भी ओबीसी वोट बैंक के सहारे अति पिछड़ों को साध कर जीत की राह तय की जाए। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त यूपी में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा ही था, और अगर इसी राह पर भाजपा चलेगी तो किसी ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर देखा जाएगा, क्योंकि संगठन महामंत्री के तौर पर ओबीसी समाज से आने वाले धर्मपाल सैनी को सामने कर दिया गया है। हालांकि भाजपा अगर दलित चेहरा आगे करती है तब भी हैरानी की बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी सतत चलने वाला संगठन है, संगठन के सारे कार्य चल रहे हैं और निश्चित रूप से कोई भी नया जो भी परिवर्तन होगा उसको आप लोगों के साथ समय आने पर पार्टी शेयर करेगी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि भाजपा किसी दलित चेहरे को यूपी में पार्टी की कमान सौंप सकती है, और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि संगठन में ओबीसी को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार में ब्राह्मण नेता के तौर पर ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि ओबीसी समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन बनाए गए हैं। ऐसे में दलित बिरादरी ही बची है जिसका कोई नेता यूपी में बड़े पद पर नहीं है, और 24 के लिए भाजपा ने जो रणनीति बनाई है उसका एक मजबूत स्तंभ दलित वोट बैंक भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा कैडर आधारित मास पार्टी है, और इस संगठनात्मक दायित्वों की बढ़ोतरी परिवर्तन ये संगठन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, और संगठन समय समय पर ही सब निर्णय लेता है। उन निर्णयों का कार्यकर्ता हम सब स्वागत करते हैं और उससे जुड़ के काम करते हैं। भाजपा ने मिशन 2024 के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी समाज है। ओबीसी बिरादरी से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को नेता सदन बनाया गया है,
जो भाजपा की पसंद माने जाने वाले मौर्य जाति से आते हैं। भाजपा ने ये संदेश भी दिया है कि 2024 में ओबीसी उसके लिए सबसे अहम है, यानी संगठन का उच्च पद हो या फिर विधान परिषद का उच्च पद, हर जगह भाजपा ने ओबीसी चेहरा ही बैठाया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक तरह से अपनी रणनीति को साफ कर दिया है। उसे पता है कि प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर हैं, और अगर 2014 और 2019 की तरह उसका साथ 2024 में भी मिलेगा तो इस बार 80 में 80 सीट पाने का उसका जो लक्ष्य है वो काफी आसान हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा दी है, अब सिर्फ उस नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में इसकी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन फॉर्मूले के बाद से यूपी में मची हलचल थम नहीं रही। 24 घंटे के भीतर कांग्रेस ने दोबारा यूपी में महागठबंधन का राग छेड़ दिया। इस बार आंकड़ों का हवाला दिया गया, ये बताने की कोशिश हुई कि भाजपा के खिलाफ अब भी तमाम विरोधी दलों के 68% वोट हैं, और ये तमाम दल अगर साथ आ गए तो फिर भाजपा को 2024 में रोका जा सकता है। बिहार की सियासत में जो कुछ हुआ उसने 2024 के चुनाव से पहले बहुत बड़ी सियासी लकीर खींच दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश और तेजस्वी ने जो लकीर खींची है बाकी के विपक्षी दल अब उसी लकीर के पार एक साथ खड़े होंगे या नहीं। लड़ाई अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री पद की है, लेकिन चुभने वाला सच ये है कि विपक्षी दलों में सबसे आगे खड़े होने की होड़ भाजपा के फायदे की वजह बन जाती है। पिछले कुछ समय में विपक्षी दलों ने कम से कम इतना तो समझ लिया है कि जब तक वो एकजुट नहीं होंगे भाजपा को हराया नहीं जा सकता। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार एकजुटता पर जोर दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इस बार एनडीए और गैर एनडीए दलों का वोट प्रतिशत गिनाया है। मोदी जी के पास तमाम एलाइज के साथ सिर्फ 32% के आसपास वोट, 68% वोट मोदी जी के खिलाफ। अगर इस 68% को एक कर लिया जाए, निसंदेह कांग्रेस सबसे बड़ा दल है विरोधी, एक कर लें हम और मान लीजिए 18% वोट बहक भी जाए तो 50% के साथ मोदी का जाना तय होगा 2024 में, और दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ विपक्ष का आना भी तय। विपक्ष सत्ता में होगा या नहीं ये तो 24 के चुनाव के बाद पता चलेगा। पहला सवाल तो ये है कि यूपी में बिखरा हुआ विपक्ष क्या एक छत के नीचे आ पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि जिस गठबंधन के साथ उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा उसी गठबंधन के साथ वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, यानी उनके गठबंधन में न तो कांग्रेस का नाम है और न ही बसपा का। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। तो क्या पहल करेंगे कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर? कांग्रेस तो पूरे देश में पहल कर रही है। आप याद कीजिए सोनिया जी खुद कर्नाटक गई थी, सोनिया जी का जहां मौका मिलता है वो सबको आमंत्रित करती रहती है, लेकिन फिर एक नए सिरे से नई प्रेरणा मिली है, नई जान मिली है, ये प्रयास होगा। कांग्रेस ऐसे वक्त में चुनाव लड़ने और रणनीति बनाने की बातें कर रही है जब पिछले काफी समय से यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली है। संगठन का क्या हाल है ये सभी जानते हैं। ऐसे में एक मंच पर पूरा विपक्ष खड़ा होगा इस पर बड़ा सवाल है। उधर दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि गठबंधन में चाहे जितने दल हो जाए मोदी के आगे कोई नहीं टिकेगा। जहां तक इन लोगों की विपक्षी एकता की बात है तो 2019 में भी ये जो लोग यह प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, और श्री तिवारी जी जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं ये तो अंतरदलीय संबंधों के लिए अच्छी तरह जाने जाते हैं, तो ये सब कर चुके हैं। उसके बावजूद भी हम लोग शानदार तरीके से 64 लोकसभा सीटें जीत के आए हैं, तो ये अपने आप में यथार्थ है। जबकि अभी वो कह रहे हैं ना सपा बसपा आज किस रूप में है ये भी समाज देख रहा है, कितनी धुरी है,
तो इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर नई जंग की शुरुआत कर दी है, लेकिन ये सवाल बरकरार रहेगा कि अगर भाजपा के खिलाफ नई टीम खड़ी होगी तो उसका कप्तान कौन होगा, क्योंकि एक तरफ अगर नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी हैं। अब ये तो नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लोगों को तय करना है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि उनकी राष्ट्रीय स्तर पे क्या भूमिका है कि बिहार में उनकी भूमिका है। मेरी तो शुभकामनाएं हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने शपथ ली, उप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव जी ने शपथ ली, दोनों को आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा आएगा इस पर भले अभी पर्दा हो, लेकिन जो भी चेहरा होगा उस पर चुभने वाले हमले जरूर शुरू हो जाएंगे। इसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। ओपी राजभर भले अभी भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर वो अभी से हमलावर हो गए हैं। हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश जी से कहूंगा कि अब तो आप लोग स्वतंत्र हैं और बिहार से ही शुरू करिए जातिवार जनगणना का ऐलान। देश की सियासत की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं, ये साफ तब होगी जब विपक्ष मिलकर कोई फैसला लेगा, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या सभी दल एक ही चेहरे पर सहमति जताएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की, जो सीना तानकर अखिलेश यादव के सामने खड़े हो गए हैं। आज राजभर गाजीपुर में थे और गाजीपुर से उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ किलेबंदी का खुला ऐलान किया। राजभर ने यह भी कहा कि जैसे विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के मंत्री और विधायक तोड़े थे, वैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले सपा के विधायक तोड़े जाएंगे। ये अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की पहली खुली चेतावनी। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच सियासी दुश्मनी की नई शुरुआत होने वाली है और इसका ऐलान होगा 15 अगस्त के बाद। ओम प्रकाश राजभर 15 अगस्त के बाद सावधान यात्रा निकालने वाले हैं। उनकी ये यात्रा किससे सावधान करने की होगी, इसे उनकी बातों से समझा जा सकता है। हम सावधान यात्रा के चक्कर में सावधान रहो, ये वही लोग हैं जो चार चार बार सत्ता में रहे हैं, जो आपके बीच में समझाने आ रहा है। आप इनसे पूछो कि सत्ता में जब थे आपने हमारे लिए क्या किया। सत्ता से बाहर आते हो तो हम दिखते हैं और सत्ता में रहते हो तो हम क्यों नहीं दिखते हैं, ये सवाल उनसे करना है। जो ओपी राजभर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खिलाते थे, अब वही राजभर अखिलेश यादव को दगाबाज बता रहे हैं। जातिवार जनगणना जब सत्ता में 5 साल आते तो आपने क्यों नहीं किया, आज आप जातिवार जनगणना की बात क्यों करते हो, क्या कारण है? सत्ता पाने के लिए करते हो फिर भूल जाओगे? इस बात को जनता को जागृत करने का कवायद, अपने हक के लिए जनता लड़े, अपने हिस्सेदारी के लिए जनता लड़े, इस नाते हम सावधान यात्रा 15 अगस्त के बाद तारीख तय करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में यात्रा होगी, इसका समापन गांधी मैदान पटना। ओपी राजभर ने अखिलेश को झटका देने की तैयारी भी कर ली है। सुभाषपा अध्यक्ष ने सपा विधायकों की संख्या गिनाई और ऐसी बात कह दी जो अखिलेश यादव को चुभ जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी हमसे बड़ी पार्टी है, 111 मिली है। आने दीजिए लोकसभा का चुनाव, अभी तो दो ही देखे हैं ना। आप देखिएगा, मैं जब कहता था कि बीजेपी से एक दर्जन मंत्री और सैकड़ों विधायक ले आ रहे हैं, तो लोग नहीं मानते थे। जब शुरू किया तो बीजेपी चौकन्ना हो गई, अभी कुछ बता देंगे तो काम। पूर्वांचल की सियासी पेच पर अखिलेश भाजपा से बाद में निपटेंगे, उससे पहले राजभर सीना तान कर खड़े हो गए हैं। अखिलेश के दौरों पर वो तंज भी कस रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से वो पढ़े और जिस विषय से पढ़े हैं वो इस समय सीजन चल रहा है ना, इस सीजन में वो यात्रा सुशोभित नहीं होती है और उस यात्रा में वही लोग जाते हैं जो पार्टी के रिलेटेड लोग होते हैं, वो लोग तो साथ है ये हैं। और कैसे लोग साथ हैं हमें, हम इस बात को समझाते थे। देखिए, हम जो कहते हैं तो लोग समझते नहीं,
हम उनको राय देते थे कि हम प्राइमरी के टीचर हैं। हमारा इशारा था कि जो गरीब कमजोर अशिक्षित लोग हैं आप उनके बीच में चलिए, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो। राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर अखिलेश पर एसी वाला अटैक कर दिया। हमारा इशारा उनको धरातल पे है, लेकिन धरातल पे नहीं है और न रहेंगे। एसी की हवा जिसको लग जाती है ना, तो नॉन एसी में वो जल्दी टिकता नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की देश बचाओ पद यात्रा है, तो दूसरी तरफ ओपी राजभर सावधान यात्रा निकालने वाले हैं। राजभर की सावधान यात्रा पर सपा की तरफ से भी चुभता हुआ हमला शुरू हो गया है। खुदे अपने आप में समाधान अपना खोजे, तब समझ में आएगा समाधान यात्रा। इतिहास गवाह है कि पूर्वांचल में सपा या तो मजबूत रहती है या फिर टक्कर में रहती है, लेकिन अब राजभर के सामने खड़े हो जाने के बाद अखिलेश की चुनौती जरूर बढ़ गई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात रेवड़ी वाली इस राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होने वाले पैसे का इस्तेमाल बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए होना चाहिए। इस टिप्पणी को बेहद अहम माना जा रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी, तो सियासी आर पार अभी से शुरू। ऐसे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त करेंगे। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। फ्री कोचिंग की व्यवस्था हर जनपद तक पहुंचाने की व्यापक कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सरकारी योजनाओं के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रेवड़ी कल्चर को गंभीर बताया है। रेवड़ी कल्चर मतलब सरकार की तरफ से जनता को मुफ्त में बांटे जाने वाले तोहफों की योजना। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक टिप्पणी की है कि इस पैसे का इस्तेमाल बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए होना चाहिए। इस मामले पर सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त के तोहफे के रेवड़ी कल्चर में अंतर है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी, लेकिन अदालत के बाहर इस मुद्दे पर छिड़ा सियासी घमासान अब और तेज हो गया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली मॉडल हो गया है फेल, अरविंद केजरीवाल आकर झूठ की लगा रहे हैं रेल, और जो करते हैं ये वादा उसका पूरा नहीं किया आधा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की थी कि सियासी दलों के मुफ्त वाले रेवड़ी कल्चर से सावधान रहें, क्योंकि इससे देश का भला नहीं होने वाला और ना ही रोड रेल समेत तमाम बड़े प्रोजेक्ट का तोहफा आपको मिल पाएगा। इस पर गरमाई राजनीति अब थमने का नाम नहीं ले रही। कल तो उनके खिलाफ योगी जी ने ही बगावत छेड़ दी, कह रहे हैं कि बस की फ्री यात्रा देंगे महिलाओं को। तो अरविंद केजरीवाल का जो फ्री बिजली का मॉडल है, फ्री शिक्षा का मॉडल है, फ्री स्वास्थ्य का मॉडल है, फ्री बस की यात्रा का मॉडल है, उसको तो हर राज्य अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नकल और असल में फर्क होता है। संजय जी को जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उनका फ्री वाला शब्द जो है वो सब चीजें किस रूप में है वो दिल्ली भी देख रहा है, पंजाब में भी फ्री के बोलने के बाद केंद्र से आके बजट मांगना वो भी देश देख रहा है। रहा उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो ये निर्णय है 60 वर्ष की आयु से ऊपर लोगों के फ्री बस सेवा का, यह लोक कल्याणकारी राज्य का एक बेहतर रूप है। उधर केजरीवाल लगातार दोहरा रहे हैं
के भाजपा जानबूझकर गरीबों को मिल रही मदद पर रोक लगाना चाहती है, इसलिए उसने इस मुद्दे को इतना गरमाया है। पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयां मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है? अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए, जिससे जनता की राय सामने आएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहां गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? पूरा देश राष्ट्रभक्ति में लीन है, हर घर पर तिरंगा फहराने की तैयारी हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें देशभक्ति का ये उत्सव चुभ रहा है। इंटेलिजेंस के पास एक रिपोर्ट पहुंची है जिसके मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अराजक तत्व राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। ये घटना आतंकी भी हो सकती है। यही वजह है कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल की सीमा पर खास अलर्ट किया गया है। पंद्रह अगस्त को देश का हर घर बदला बदला दिखेगा। घरों पर राष्ट्रीय ध्वज शान से लहराता नजर आएगा। पीएम मोदी ने भी बच्चों को तिरंगा बांटा और हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती दी। लेकिन हिंदुस्तान की आन बान और शान कहे जाने वाला तिरंगा कुछ लोगों को चुभ रहा है। खुफिया विभाग को जानकारी मिली है कि अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय ध्वज को लेकर पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं। इस बात की संभावना है कि अराजक तत्व तिरंगे का अपमान कर सकते हैं, तिरंगे को फाड़ने या जलाने जैसी नापाक घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी और डिजिटल कैमरे लगाए जा रहे हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पैनी नजर रखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में इस पूरे कार्यक्रम में तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, जगह जगह गांव-गांव में जो है लोग झंडा लेकर चल रहे हैं, शहरों में जो है स्कूली बच्चे निकल कर जो है कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हर विभाग जो है किसी न किसी रूप में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो जिले स्तर की कमेटी है वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, माननीय मंत्रीगण के स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, और हर घर झंडा का जो एक अभियान है जिसका कि आपने अभी देखा, उसके क्रम में जो है लगभग 4.5 करोड़ से अधिक झंडे लगेंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करेंगे उनसे भी निपटने के लिए साइबर सेल तैयारी कर रहा है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तक सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील जगहों पर विशेष चेकिंग जारी है। सूत्र बताते हैं कि नेपाल की सीमा से संदिग्ध एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में नेपाल की सीमा से सटे जिलों को खास तौर पर अलर्ट किया गया है। वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को भी चौकन्ना किया गया है। गृह विभाग ने जिलों में सेक्टर और जोनल स्कीम लागू कर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश किया कि आज और कल में जो है रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो महिलाएं बहनें जो है जगह जगह जा रही हैं, बसों में जो है सफ़र कर रही हैं, उनको भी कहीं ट्रैफिक जैम में परेशानी ना हो, इसका भी जो है निर्देश सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को दिया गया है। यूपी में करीब 4.5 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य है, यानी लाखों जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे, और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यूपी पुलिस के सामने होगी। यही वजह है कि डीएम और पुलिस कप्तान से लेकर एसओ लेवल के अधिकारी तक को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी जनपद के जिलाधिकारी, सभी जनपद के पुलिस के अधिकारी एसओ लेवल तक जो है निर्देशित किया गया कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो और मोबिलिटी पुलिस की बहुत मजबूत रहे। सिर्फ सड़क या चौराहे ही नहीं, धार्मिक शहरों में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं।
वाराणसी के घाट और मंदिर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की जद में है। चौराहा और गुरुबाग क्षेत्र से बड़ा नाता रहा है, और इसके साथ ही अगर आपको बताऊं तो नदेसर हो या अन्य क्षेत्र हो, हर जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। आप देखें यहाँ पर जो मॉल है उसके बाहर ये कड़ी सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है, और सिर्फ मॉल नहीं बल्कि घाट हो, चौराहे हो, इसके साथ ही मंदिरों के बाहर भी कड़ी सुरक्षा का घेरा है। हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह रखी जा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है, और जो यहाँ का सूचना तंत्र है उसे भी पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। पुलिस सीधे जनता के संपर्क में है, कोशिश है कि अगर कोई अनहोनी हो तो पहली खबर पुलिस तक पहुंचाई जाए। जो कोई भी व्यक्ति तिरंगा का अपमानित करेगा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी, उसका सूचना 100% मिल जाएगी, क्यों आजकल हम लोग सब पता है सोशल मीडिया सेल के माध्यम से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें निकल के आते हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया सेल का 24/7 लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। कोई भी व्यक्ति तिरंगा का अपमानित करने की कोशिश करेगा और प्रयास करेगा उनके खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई हम करने के लिए। सवाल तिरंगे का है तो चौकसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि एक छोटी सी घटना बहुत ज्यादा चुभने वाले हालात पैदा कर सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बात तो चुभेगी, मैं आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।